हनी ट्रैप मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार। खाजूवाला हनी ट्रैप मामले में तीन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। टीचर को फंसाने वाले गिरोह की दो महिलाएं और एक पुरुष गिरफ्तार हो गया है। फरार दो आरोपियों की छतरगढ़ पुलिस तलाश कर रही है। हनी ट्रैप का शिकार टीचर ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। गिरोह ने अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख मांगे थे, 7 लाख रुपए में फिर यह सौदा तय हो गया था। 1 लाख रुपए की नकदी भी दे चुका था यह शिक्षक। तीनों आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आ गए हैं। आपको बता दें, हनी ट्रैप मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां तीन आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एक टीचर को ब्लैकमेलिंग करने का मामला था, जिसके बाद हनी ट्रैप के शिकार टीचर ने नहर में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। गिरोह के ने अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए मांगे थे, 7 लाख में ये सौदा तय हो गया था और 1 लाख रुपए की नकदी भी दे चुका था ये टीचर। तीनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ा खुलासा है, हनी ट्रैप मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 10 लाख रुपए मांगे थे हनी ट्रैप करने वाले टीचर से और शिकार टीचर ने नहर में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। एक पुरुष और 2 महिलाएं इसमें संलिप्त हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह में 2 महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार किए जा चुके हैं और फरार 2 आरोपियों की छतरगढ़ पुलिस तलाश कर रही है। हनी ट्रैप के शिकार इस टीचर ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और गिरोह ने अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए मांगे थे, 7 लाख रुपए में सौदा तय हो गया था और इसकी 1 लाख रुपए जो है नकदी वो शिक्षक दे चुका था। तीनों आरोपी 2 दिन से पुलिस की रिमांड पर है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 2 महिलाएं और 1 पुरुष इसमें शामिल थे। एक टीचर को हनी ट्रैप किया गया, उसके अश्लील वीडियो बनाए गए, उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया गया 10 लाख। और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ में। किस तरह से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? जी देखिए, जिस प्रकार से पालोत्रा के विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक था, उसको एक हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया गया और उससे 10 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन 7 लाख रुपए में इनका सौदा सेट हुआ और 1 लाख रुपए जो अध्यापक था उसने मौके पर दे दिए, जिसके बाद आगामी तारीख को उसको पैसे देने थे तो पैसे नहीं बने, तो इसने प्रेशर में आकर आए दिन की नहर में कूद कर आत्महत्या। सुरेंद्र, और कितने लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, कितने लोगों की और तलाश की जा रही है? सरकार का अध्यापक के पेक्ष आत्महत्या जो की एक डायरी मिली थी, सुसाइड नोट मिला था, उसमें 5 लोगों के नाम थे, जिसमें से 2 महिलाओं व 1 पुरुष को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही 2 लोग है वो अभी की तरह है, उनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार टीमें बनाकर जुटी हुई है। जी, किस तरह से इन्होंने इसे फंसाया और किस तरह से पूरे इस घटना को अंजाम दिया? जी, जिस प्रकार से सुसाइड नोट में जानकारी मिली है कि बीकानेर के रिजनल बाईपास पर इनको एक रूम में बुलाया गया, वहां पर इसको जाल में फंसा कर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाने के बाद इसको ब्लैकमेल किया गया और 10 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसके बाद 7 लाख रुपए में इनका सौदा हुआ और 1 लाख रुपए मौके पर दे दिए गए। और जिस प्रकार से ब्लैकमेल बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा था, प्रेशर दिया जा रहा था पैसे देने के लिए, तो पैसे नहीं मांगने पर जो टीचर था वो डिप्रेशन में आ गया और उसने आईजीएनसी नहर की RT 585 के पास नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने 100 बार निकालकर पूरे मामले की जांच की, तो जिसमें 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और 2 आरोपी है वो जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।